प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन करने जा रहे हैं एमएपीएस 109। तो इसमें हम देखते हैं एमएपीएस 109 विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान इकाई 7 शक्ति संतुलन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो इस पे हम देखते हैं शक्ति संतुलन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में हम सर्वप्रथम ये देखने का प्रयास करते हैं, नंबर एक शक्ति संतुलन के अर्थ को समझना, नंबर दो शक्ति संतुलन सिद्धांत की मान्यताओं को समझना, नंबर तीन शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधनों को समझना, नंबर चार शक्ति संतुलन का विकास एवं प्रासंगिकता। तो इसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है और शक्ति संतुलन के सिद्धांत और उसकी मान्यताएं क्या हैं, शक्ति संतुलन स्थापित करने के कौन कौन से साधन हैं, शक्ति संतुलन का विकास कैसे हुआ और उसकी अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है कि नहीं। तो इस पे हम आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का संतुलन का अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें कोई राज्य या समूह इतना अधिक शक्तिशाली न हो कि वह कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा ले। इसलिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना जो समस्त राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, नियम शर्तों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों को दंडित कर सके। सर्वप्रथम इसका उल्लेख चीनी विश्लेषण एवं कौटिल्य के ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो शक्ति संतुलन का हमने देखा इसमें कि शक्ति संतुलन इसलिए स्थापित करने की जो है कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि कोई राज्य इतना शक्तिशाली ना बन जाए कि कमजोर राष्ट्र पर जो है आधिपत्य जमा ले और उसको जो है अपने आर्डर जो है उसको देता रहे और अपने नियम शर्त उस पर थोप दे। तो इस वजह से शक्ति संतुलन की जो है आवश्यकता महसूस की गई है और इसका जो है सबसे सर्वप्रथम चीनी जो है राज्यों में इसका विश्लेषण किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जैसे कि कौटिल्य ने भी अपने राजा को सलाह दिया है कि जैसे हमारा पड़ोसी राज्य है तो कभी भी हमारा पड़ोसी राज्य मित्र नहीं हो सकता है। तो हमको जो है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमको जो है जो शत्रु राष्ट्र होगा उसके पड़ोसी राज्य भी उससे जो है मित्रता नहीं हो सकती है, इसलिए वो हमारा मित्र हो सकता है। इसलिए जो है हमको अपने पड़ोसी राज्य के पड़ोसी राज्य से हमको जो है मित्रता कर लेनी चाहिए। तो यह है शक्ति संतुलन कि हमको जो है मित्रवत रहना है अन्य देशों से और पड़ोसी राज्य अगर मित्रवत नहीं है तो उनको छोड़ करके अन्य देशों से हम मित्रवत होंगे ताकि हम जो है शक्ति संतुलन स्थापित कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति संतुलन का अर्थ कि शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है। तो शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिकी क्षेत्र तुला से लिया गया है। जिस प्रकार तुला के दो पल्लड़े समान भार होने पर संतुलित रहते हैं उसी प्रकार साम्यवस्था की कल्पना राज्यों के मध्य की गई है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संप्रभु राज्य व्यवस्था पर लागू करने का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना से है जिसमें कोई राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि अन्य राष्ट्रों पर अपने आदेश थोपने लगे और अन्य राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वह खतरा बन जाए। इसलिए शक्ति संतुलन आवश्यक है। स्लीचर महोदय ने कहा है, शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। तो ये जो है शक्ति संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। तो शक्ति संतुलन का जो है अर्थ हमने जो है तुला से लिया है, मतलब कि माप से, कि तुला जैसे कि हम जो है कोई वस्तु को जैसे कि मापते हैं तो दो पलड़े होते हैं, जिसमें ज़्यादा सामान होगा तो क्या होगा, वो भारी हो जाएगा और जिसमें कम सामान होता है वो पलड़ा हल्का हो जाता है। तो हमको जो है संतुलन बनाना है उस पर, मतलब दोनों पलड़ों में जब हम सामान बराबर बराबर रखेंगे तो क्या होगा, पलड़े दोनों बराबर होंगे। तो उसी से शक्ति संतुलन की अवधारणा को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम जो है लागू करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी देश इतना शक्तिशाली ना हो कि इतना शक्तिशाली यदि हो जाएगा तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा
मतलब कि वह शक्ति में बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा, और जो कमजोर राष्ट्र है तो उसका पल्ला कम हो जाएगा और हल्का हो जाएगा, और जो है जो शक्तिशाली राज्य है तो उस कम शक्तिशाली राज्य पर अपनी जो है मान्यताएं, अपने नियम शर्त थोपने का प्रयास करता है और अपने नियम शर्तों को लागू करने का प्रयास करता है। इसलिए हमको जो है शक्ति संतुलन विश्व जगत में बनाने की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं शक्ति संतुलन सिद्धांत की मान्यताएं, कि मतलब शक्ति संतुलन सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। क्विंसी राइट ने शक्ति संतुलन सिद्धांत में 5 मान्यताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, प्रत्येक राष्ट्र उपलब्ध संसाधनों के द्वारा, जिसमें युद्ध भी शामिल है, अपने महत्वपूर्ण अधिकारों, हितों और अधिकारों की रक्षा करता है। तो इनके कहने का ये तात्पर्य है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की जो है रक्षा करता है, जिसमें युद्ध भी शामिल है, सभी प्रकार के संसाधनों का जो प्रयोग करता है, जैसे संधि समझौता, ये सब चीज है। तो युद्ध है लास्ट ऑप्शन रखा जाता है, क्योंकि युद्ध से, मैंने कि पहले भी बताया है कि कोई लाभ नहीं होता है, उससे सिर्फ हानियां होती हैं। तो जब सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं तो युद्ध को हम अपनाते हैं, नहीं तो युद्ध को जो है अवॉइड करते हैं। तो इसके बाद नंबर 2 में आते हैं, राज्य के महत्वपूर्ण हितों को खतरा या संकट की संभावना रहती है। तो राज्य अपने, जैसे कोई व्यक्ति जैसे बूस्टर डोज लगवाते हैं तो क्यों लगवाते हैं, क्योंकि जो है जो संक्रमण का खतरा ना हो, उससे जो है इम्यूनिटी पावर जो हमारी डेवलप होती रहे और जो है खतरा को हम कम कर सकें। तो उसी प्रकार हमें जिस प्रकार संभावना रहती है कि कोई पड़ोसी देश, कोई भी देश हम पे आक्रमण कर सकता है, तो उसको, उस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हम अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं। और अगर हमारी सैन्य शक्ति बढ़ रही है, आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तो अगर कोई कमी पड़ रही है तो हम अगले राष्ट्रों से संधि समझौतों के माध्यम से उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगला देखते हैं, शक्ति संतुलन राज्यों को आक्रमण का भय दिखाकर महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करता है, या आक्रमण होने पर आक्रमणकारी पर विजय प्राप्त करके प्रमुख हितों की रक्षा करता है। तो शक्ति संतुलन में क्या होता है कि जैसे कोई भी राष्ट्र यदि किसी नियम शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो उस पर उनको भय दिखाया जाता है। जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका हर समय थोड़ी ना है कि किसी छोटी छोटी बात पे आक्रमण कर दिया। भय कैसे दिखाता है, जैसे कि कोई अभिव्यक्त करना, भाषण देना, प्रदर्शन करना। अमेरिका का कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तरीके से हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, बहुत ज्यादा क्षति हो सकती है। तो इस बात से भय दिखा करके अमेरिका अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करता है। तो फिर इसके बाद अगर कोई राष्ट्र आक्रमण कर दिया है तो उसको विजय प्राप्त करके हम जो है अपने हितों की रक्षा करते हैं। कोई राष्ट्र किसी देश पर, जैसे कि अभी फिलहाल जो है कई राष्ट्र युद्धरत हैं, तो जो है उदाहरण हम इस प्रकार का देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, राज्यों की वर्तमान और भविष्य की शक्ति का ठीक ठाक मूल्यांकन किया जाता है। तो कोई भी राष्ट्र है, वर्तमान समय में हम उसकी वस्तु स्थिति देखते हैं, जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड, तो पाकिस्तान, तो इस प्रकार से हम उन देशों के मूल्यांकन करते हैं कि कौन राष्ट्र शक्तिशाली हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सैन्य क्षमता, उद्योग क्षमता और टेक्नोलॉजी में हम जो है महारत हासिल करने की जो है कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हमको ये सब, इन चीज़ों का हमको ख्याल रखना है, इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को हम ध्यान को रखते हुए ये सब चीज़ हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, समस्त राष्ट्र अपनी विदेश नीति के निर्णय बहुत ही सूझबूझ से करते हैं। तो सभी राष्ट्र अपने विदेश नीति का निर्णय बहुत ही सूझबूझ के तरीके से करते हैं।
सूझबूझ का मतलब कोई जल्दबाजी में नहीं करते हैं। एक तो होता है कि हम जो है शॉर्ट टर्म में कंडीशन को देखते हुए अपना निर्णय बनाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं। एक जो है लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए हम जो योजना बनाते हैं, जैसे कि हम वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि कौन किस देश से हमारे जो है मित्रवत संबंध है, किस देश से हमारे मित्रवत संबंध नहीं है, तो उन चीज़ों को जो है हम ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति बनाते हैं और जो उनको लागू करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान काल की परिस्थिति में हमारे देश के साथ जो मित्रवत हैं तो हम उनके साथ वैसी योजना बनाते हैं, और भविष्य में जैसे कि रूस है, अमेरिका है, तो ये हमारे जो है अच्छे मित्रों में आते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी पॉलिसी का जो है निर्माण करते हैं। और लंबी अवधि के लिए जैसे कि अंतरिक्ष में इन्वेस्टमेंट करना है, उद्योग धंधों में इन्वेस्टमेंट करना है, टेक्नोलॉजी में, विज्ञान क्षेत्र में, तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने का ताकत को बढ़ाने का जो है उद्देश्य रहता है, तो इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे जो है संधि समझौतों के माध्यम से हम इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के कौन कौन से साधन है? नंबर एक, मैत्री एवं संधियां। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधनों में है मैत्री एवं संधियां। तो मैत्री का मतलब मित्रता करना। कोई भी व्यक्ति है तो मित्रता क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो है उनके दुख मुसीबत कभी प्रॉब्लम पड़ जाए तो जो है सहयोगी की भूमिका निभाए। तो इस वजह से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसका उदाहरण देखते हैं, इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र यदि कोई मित्रवत होता है तो क्यों मित्रवत होता है? इसीलिए मित्रवत होता है कि हमको जो है जब कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, महसूस हो, तो वह सहयोगी की भूमिका में आए, सहयोग करे। तो इस वजह से हमको जो है मित्रता हम करते हैं। संधियां भी हम जो इसीलिए करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते हैं और जो है मित्रता करते हैं, संधियां करते हैं, बैठकें करते हैं, तो संधियां इसीलिए करते हैं, संधि होती है, समझौते होते हैं। और एक दूसरे से व्यापार, आवागमन और निवेश सभी क्षेत्रों में, तो इस प्रकार की संधियां समझौते होते हैं ताकि जो है हम अपने जो है शक्ति को बढ़ा सकें। और कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से मित्रवत इसीलिए होता है कि वो अगर उसकी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो एक दूसरे के सहयोग करें और एक दूसरे के साथ खड़े रहें। इसके बाद हम नंबर दो देखते हैं, क्षतिपूर्ति। अगर किसी राष्ट्र ने अनावश्यक तरीके से किसी राष्ट्र पर अगर हमला कर दिया है और जिस पर हमला किया है उस पे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? अगर शक्ति संतुलन की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? यही होगा कि जो कमजोर राष्ट्र है उसी से ही क्षतिपूर्ति भी करवाते हैं। जो शक्तिशाली राष्ट्र होंगे तो खुद ही उस पे आक्रमण करते हैं और जो जितना भी धन जन हानि हुई है तो क्षतिपूर्ति भी कमजोर राष्ट्र से ही करवाते हैं जिस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन जब कोई शक्ति संतुलन नाम की कोई व्यवस्था होती है तो शक्ति संतुलन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो आक्रमणकारी राष्ट्र होता है उसको हम दंडित करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा कि जब अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण कर दिया और फिर जर्मनी जब हार गया तो और इस पे कारण देखा गया कि इसका जो है जो जितना धन जनहानि हुई है तो इतना युद्ध में बहुत ज़्यादा अपार लोगों की मतलब मौतें हुई हैं, तो ये सब चीज़ का उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तरदायी सिर्फ जर्मनी ही था, क्योंकि जो है वही उसने आक्रमण नहीं किया होता तो अन्य राष्ट्र भी एकजुट होकर के आक्रमण नहीं करते। सब प्रथम विश्व युद्ध का जो है दोषी जर्मनी को माना गया। तो जितने भी जनधन की हानि हुई तो क्षतिपूर्ति पे जो है शक्ति संतुलन के माध्यम से हमने जो है क्षतिपूर्ति किस पे डाल दिया? जर्मनी पे डाल दिया, क्योंकि वही एक कारण था जो कि पूरे विश्व युद्ध का जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो है आक्रमणकारी था। तो इसके बाद हम देखते हैं हस्तक्षेप। हस्तक्षेप में आते हैं, हस्तक्षेप कैसे होता है?
हस्तक्षेप का मतलब कि कोई राष्ट्र किसी देश पर यदि आक्रमण कर रहा है और कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण हो रहा है, तो अन्य राष्ट्र क्या करेंगे, जो मित्रवत होंगे तो अन्य राष्ट्र उस पर हस्तक्षेप करेंगे और जो ये कहेंगे कि ये जो है जो आक्रमण आपने किया एकदम सरासर गलत है। तो हस्तक्षेप के माध्यम से भी हम शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम यह काम है विश्व में शांति की स्थापना करना। अगर कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर दे रहा है तो उस पर जो है हस्तक्षेप करके अपनी सेनाएं भेज करके उसको जो है शांति स्थापित करने की का प्रयास करता है। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून में। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उदय कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय कानून का उदय विस्टफेलिया संधि के बाद हुआ, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो हमने आवश्यकता महसूस किया और अंतर्राष्ट्रीय की एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हम सभी समस्याओं को निपटाने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है हमारा और पाकिस्तान का। जैसे कि जल विवाद है, सीमा विवाद है, तो सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले जैसे सीमा विवाद होता है, जल विवाद होता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का विवाद होता है, तो ऐसे मामले जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस पे निर्णय देता है, सही निर्णय देता है। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति संतुलन का विकास। शक्ति संतुलन का विकास कैसे हुआ, इस अवधारणा का विकास सर्वप्रथम यूनानी नगर राज्य बेबीलोन व चीन की राज्य व्यवस्था से प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी में इटली में प्रचलन में आया। विस्टफेलिया की संधि 1648 में शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसमें धार्मिक मान्यताओं के स्थान पर तर्कवाद, स्वतंत्र व्यापार, लोकप्रिय संप्रभुता को महत्व दिया गया। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं चीन में, इटली में इसकी अवधारणा का जो विकास हुआ। फिर इसके बाद 1648 में विस्टफेलिया की संधि होती है। तो संधि क्यों होती है, संधि इसलिए होती है क्योंकि जो धार्मिक मान्यताएं पोप का साम्राज्य, वो अनावश्यक तरीके से जो है जहां जहां पे उनका पोप का साम्राज्य था, तो उन्होंने अन्य देशों पर भी उन्होंने जो है कब्जा जमा रखा था, उनके राष्ट्रों पर जो है कब्जा जमा रखा था। तो विस्टफेलिया संधि जब होती है, ऑस्ट्रेलिया के पोप ने ही सबको जो है सभी राष्ट्रों को अपने अंडर में ले रखा था। तो इस संधि के बाद जर्मनी, फ्रांस, इनको जो है साम्राज्य का इनका विस्तार हो जाता है और जो पोप का साम्राज्य होता है ऑस्ट्रेलिया तक सीमित हो जाता है, क्योंकि संधि के बाद यह माना जाता है कि पोप का साम्राज्य सभी राष्ट्रों पर धर्म के आधार पर, सभी राष्ट्रों पर वो अधिकार नहीं जमा सकता है, क्योंकि सभी राष्ट्र अपने अपने लिए संप्रभु हैं और किसी अन्य का हस्तक्षेप उस पर नहीं हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस राज्य का विस्तार हो गया, जर्मनी को जो है अपने क्षेत्र में आधिपत्य मिल गया। तो जो संप्रदाय, जो भी जातियां थी, तो वो क्या है अपने में मतलब कि विस्तृत होने लगी और जो इस प्रकार से जो धार्मिक मान्यता थी, धर्म के आधार पर जो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार कर रखा था, दूसरे साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा रखा था, तो वो आधिपत्य खत्म हो गया। जैसे कि एक उदाहरण हमारे देश में देखने को मिलता है कि जैसे कि चाइना, हमारे भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, चाइना के जो सीमा के पास में जो राज्य हैं उन पे क्या करता है, उन पे जो है ये दिखाता है कि हमारे जो है रंग और हमारे जैसे भी भारत देश में हैं लोग तो हमारे ही हैं। तो ये गलत अवधारणा है, क्योंकि हमारा भूभाग, हमारा भारत जो है तो बहुत से धार्मिक संस्कृतियां और विभिन्न
जियोग्राफिकल कंडीशन जो है अलग अलग है, तो उसी के आधार पर गोरे काले लोग पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आधार पर हम रंग के आधार पर सकल सूरत के आधार पर हम कह देंगे किसी देश पर दावा ठोक देंगे, तो ये गलत बात है। तो चाइना का जो है ये दावा सरासर गलत है। हमारा जितना भूभाग है हमारा है, और कुछ लोग अगर सीमावर्ती राज्य के जो चाइना से मिलते हैं तो इसका मतलब नहीं कि चाइना का भूभाग मतलब हमारे पे दावा कर सकता है, तो ये गलत बात है। तो इसी प्रकार जो है जो वेस्टफेलिया की संधि होती है तो उससे जो धार्मिक मान्यताओं को जो है कम कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद तर्कवाद, बुद्धिवाद, कला, साहित्य, ये सब चीजों का जो है विकास होता है, इन सब चीज को मान्यता मिलती है। साम्राज्यवाद और जो है अपने राष्ट्रवाद की जो है मान्यता मिल जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वेस्टफेलिया संधि के बाद बहुत सी शांति व्यवस्था स्थापित हो जाती है विश्व में, और अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है मान्यता मिल जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो है उदय हो जाता है। 1815 से 1914 के काल को शक्ति संतुलन का दूसरा स्वर्णिम काल कहा गया। प्रथम एवं द्वितीय युद्ध तथा शीत युद्ध ने शक्ति संतुलन को अस्थिर बनाया। तो शक्ति संतुलन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर जो है शीत युद्ध हुआ, तो इससे शक्ति संतुलन को क्या है, शक्ति संतुलन को अस्थिरता मिल गई। मतलब शक्ति संतुलन कामयाब नहीं हुआ, असफल हो गया। तो ये हम नहीं कह सकते पूरी तरह से असफल हो गया, शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास भी किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यूएन की स्थापना हुई, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने किसकी स्थापना किया, हमने यूएनओ की स्थापना किया। तो ये इस तरीके से हम जो है शक्ति संतुलन को स्थापित करने का हमने प्रयास किया, लेकिन यूएनओ जो यूएन से ज़्यादा यूएनओ की शर्तें, नियम, ये सब जो है कठोर कर दिया गया था। क्योंकि अगर इसमें ये कहा गया कि अनावश्यक तरीके से कोई राष्ट्र किसी पर हमला किया जा करता है तो उस पर जो है दंड का प्रावधान किया जाएगा, कठोर कठोर दंड लगाए जाएंगे, और जो है आवागमन, व्यापार, ये सब प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है के बाद जब यूएनओ की स्थापना होती है, तो इसके बाद फिर तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, शीत युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी, कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा गया था, और वाक युद्ध था एक तरीके से, और वैमनस्य विचारधारा का एक युद्ध था। तो इस प्रकार का जो है इसमें ये कहा जाता है कि शक्ति संतुलन की वजह से हमने जो है इसको हमने जो है सफल बनाने का प्रयास किया है। तो मतलब तृतीय विश्व युद्ध को हमने रोकने का प्रयास किया है, और जो रोकने में सफलता हासिल किया है। शीत युद्ध का जो है फिर विखंडन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। फिर इसके बाद शक्ति संतुलन को स्थापित करने में बल मिला, और जो है आज मैत्री, संधियां, हस्तक्षेप, ये सब के माध्यम से हम जो है शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता। तो शक्ति संतुलन का केंद्रीय महत्व है, कभी कभी राष्ट्रों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है, किंतु कभी अभी भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि शक्ति संतुलन हमने जो स्थापित करने का प्रयास किया है, कभी कभी राष्ट्रों द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है, जैसे कि अभी भी जो है युद्धरत है राष्ट्र। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से शक्ति संतुलन की अवधारणा समाप्त हो गई है और जो है एकदम फ्री हो गए हैं, एकदम जो है कानून का कोई पालन नहीं कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विधियों को कोई मानता नहीं है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय विधियों के दायरे में सभी राष्ट्र हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का, यूएनओ का, संगठन का मेम्बर्सगण सम्मान कर रहे हैं, और अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजक संरचना को त्याग कर राज्यों के बीच शक्ति का इस प्रकार से वितरण होगा, होना चाहिए कि वह अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने में सक्षम ना हो सके एवं अन्य राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा की जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति संतुलन का जो है बनाने का, शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो है यही रीजन है, यही कारण है कि अन्य देश अराजक चीज़ों को त्याग करके आपस में क्या करें, एक शक्ति संतुलन स्थापित रहे।
और सभी शक्तियाँ आपस में एक दूसरे से टकराए ना, राष्ट्रों के हितों की रक्षा होती रहे। तो इस प्रकार से हम शक्ति संतुलन की अवधारणा को हम जो है बहुत ही अच्छी अवधारणा मानते हैं, और शक्ति संतुलन स्थापित करने में सभी देशों का जो है सहयोग बहुत ही आवश्यक है, और अराजक शक्तियों को जो है हमको त्यागना होगा, और एक दूसरे पे अनावश्यक तरीके से अटैक नहीं करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।